अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं, और मैं भी पहले से बहुत बेटर हूँ। मेरा जो माइग्रेन का प्रॉब्लम था, काफ़ी दिन से चल रहा था, वो मेरा ठीक है। काफ़ी रिलैक्स हूँ मैं अब, और थोड़े से बिजी डेज जो थे वो भी मेरे हो गए, ख़त्म हो गए हैं। तो अब मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर हो जाऊँ। आई नो आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं मेरी कैट्स को और मेरे व्लॉग्स को बहुत मिस कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत 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 रिक्वेस्टेड वीडियो है आप सब की। आप सब ने बहुत डिमांड की थी कि मैं मोंकी और डोरा की डेथ से रिलेटेड वीडियो बनाऊं कि उन दोनों की डेथ कैसे हुई है। तो एक्चुअली इस बारे में मैं कब से बात करना चाह रही थी, लेकिन ये इतना मेरे लिए पेनफुल टॉपिक था कि मैं इस बारे में डिस्कस करना नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोग जानना चाहते हैं, सो आई थॉट कि मुझे अब वीडियो बनानी चाहिए। ये देखिए मेरी कैट्स की आवाज़ें। ओ फो चुड़ैल, ये हमारी जो कपती लड़की है वो बोल रही है। बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे थे कि मैंने मोंकी और डोरा को शायद सेल कर दिया है, जिस वजह से वो मेरी वीडियोस में नहीं आते। नहीं, मैंने उनको सेल नहीं किया। मैं तो इनफैक्ट उनसे बहुत प्यार करती थी, तो मैं तो उनको सेल कर ही नहीं सकती थी कभी भी। लेकिन जब वो 8 मंथ्स के हुए तो उनकी डेथ हो गई। अब उनकी डेथ कैसे हुई, क्या वजह थी, मैं आपके साथ सारी स्टोरी शेयर करूंगी उन दोनों की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप मुझे न्यू देखने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो दोनों ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के हो चुके थे। डोरा जो थी वो मोंकी से 10 डेज बड़ी थी। डोरा थी साशा की बेटी और मोंकी था मिनी का बेटा था। दोनों मफिन के बच्चे थे, फादर सेम और मदर्स डिफरेंट थी उनकी। डोरा को ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान में, अब तो खैर कैट फूड जो है वो बैन हो चुका है, लेकिन बैन होने से पहले जब एक बार बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए थे कैट फूड पे, आप सबको याद होगा, लोगों को कैट फूड मिल नहीं रहा था। इनफैक्ट इन पाकिस्तान में भी नहीं, आउट ऑफ कंट्री भी लोगों को नहीं मिल रहा था। मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसी हैं जो दुबई से भी हैं, वो मुझे बता रही थी कि उनको वहाँ पर भी रिफ्लेक्स नहीं मिल रहा, तो टैक्सेस काफ़ी लग गए थे, तो फीड मिलनी बंद हो गई। तो उस टाइम पर जब इम्पोर्टेड फीड नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों ने एक कैट फूड ट्राई किया था जो पाकिस्तानी ब्रांड है उसका। वैसे मैं किसी को इस तरह से ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन जो रियलिटी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्लफी नाम से एक फीड आती है, तो वो मुझे, मैंने उसका एक वीडियो में बताया भी था आपको पहले कि मुझे फ्लफी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि फ्लफी को जब हमने खोला तो उसके अंदर से ना ऐसे कोयले जैसी स्मेल आती थी, और थोड़ा सा ना तूड़ी जैसे तिनके भी थे। खैर मैंने उसका छोटा पैक मंगवाया था और मैंने ट्रायल के लिए वो लिया था, आई थिंक 500 ग्राम्स वाला उसका पैकेट था वो। तो वो जब आया तो डोरा वगैरह ने सबने उसको खाया, तो डोरा की इम्यूनिटी बहुत लो थी। हमें पता नहीं होता, हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमारी कुछ कैट्स ऐसी होती हैं जिनकी इम्यूनिटी जो है वो लो होती है। डोरा की इम्यूनिटी लो थी, डोरा को उससे डायरिया हो गया। अब वो डायरिया बहुत सीवियर किस्म का हो गया उसको, उसकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से इंटेंसिटी थी जो डायरिया की वो ज़्यादा थी। हमने बहुत ट्रीटमेंट, पहले हमने कुछ दिन हमने घर में ट्रीटमेंट किया, कुछ दिन 2-3 दिन नहीं वो ठीक हुई, किसी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हुई। फिर हम उसको लेके गए डॉक्टर के पास, उसका मेरा ख्याल है 15 दिन तक तो उसका ट्रीटमेंट चलता रहा था, लेकिन उसका डायरिया जो है वो ठीक ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल वाटर लाइक वो डायरिया कर रही थी, वॉमिटिंग वो नहीं कर रही थी, कभी कभी कर देती होती थी, और उसने उस डायरिया की वजह से वो वीक होती जा रही थी।
हालांकि उसको ड्रिप्स भी लग रही थी, उसको ड्रिप्स लगती थी, बहुत मुश्किल से लगती थी, उसकी वेंस बहुत नैरो थी, बहुत मुश्किल से हम उसको ड्रिप लगाते थे, हम उसको सुबह भी लेके जाते थे डॉक्टर के पास, शाम को भी, हम दिन में दो दो चक्कर लगा रहे होते थे। लेकिन उसकी इम्यूनिटी पहले ही लो थी, डायरिया की वजह से और लो हो गई, और उससे हुआ ये कि उसको ना मल्टीपल, जब इंसान हो या जानवर हो, जब वो बीमार होता है ना तो उसको एक साथ कितनी बीमारियां उसको अटैक करने लग जाती हैं। तो डोरा को उस पॉइंट पे आके डोरा को फीवर रहने लग गया, डोरा को सारी बीमारियां एक साथ लगने लग गई। जब भी डॉक्टर के पास जाना उसका कोई नया मसला बना होता था, उसको एक दिन ड्रिप लगाते थे, नेक्स्ट डे जब दोबारा ड्रिप लगाने के लिए जाते थे तो उसकी जो है ना जो नीडल होती थी वो आउट हो ही होती थी वेन से, और वेन अगर रप्चर हो जाए तो जाहिर है उस जगह पे दोबारा नहीं लगा सकते, तो हमें अक्सर उसको सब कट भी देना पड़ता था। बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट था उसका, बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट था। फिर हुआ ये कि जब उसके 10 दिन गुजरे तो मोंकी को एक दिन सुबह सुबह फीवर हो गया। तो वैसे मैंने इन लोगों को अलग ही रखा हुआ था, लेकिन कभी कभी साथ आ भी जाते थे। मोंकी को फीवर हो गया, फिर मोंकी को भी हम डोरा के साथ ही ले। उस टाइम पर इतनी बीमार हो चुकी थी कि जिस दिन मोंकी को फीवर हुआ है उसके नेक्स्ट डे जब हम डॉक्टर के पास उसको सुबह लेके जा रहे थे ड्रिप लगवाने के लिए, तो मैंने देखा कि डोरा के पीछे से स्टूल्स के साथ साथ इतने कीड़े आ रहे थे, वॉर्म्स थे उसके साथ, और वो निकलते जा रहे थे उसके वॉर्म्स ना। उसको जब मैंने टेम्परेचर उसका चेक करना, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता था, मैं बहुत घबरा गई, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर इसके वॉर्म्स निकली जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी, फिर जब हम गए डॉक्टर ने कहा कि ये वॉर्म्स इसके जो हर कैट के अंदर इंटरनली होते हैं, लेकिन इसको डायरिया की वजह से वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसको डॉक्टर ने डिवॉर्मर भी दिया। मोंकी की भी उस दिन हालत बहुत ख़राब थी, और जब हम लेके गए तो हमें एक और चीज़ पता चली कि वो इतने दिन से बीमार थी, वो बीमार होने की वजह से उसको जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस कैट को उस कंडीशन में होता है जब कैट एक्सट्रीम बीमार हो चुकी होती है। हालांकि हम उसके ट्रीटमेंट में किसी किस्म की हमने कोई कसर नहीं रखी थी, हमने उसके एक्सरेज भी करवाए थे, सब कुछ करवाया था उसका, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था कि वो बच सके। जब गए डॉक्टर ने चेक किया कि डोरा को कान चेक किए, बिल्कुल येलो थे उसका, बिल्कुल बॉडी पेल हुई हुई थी, जुबान पेल, आईज का ये एरिया, वैसे तो उसका कलर स्मोकी कलर था। और जब डॉक्टर ने उसी टाइम मोंकी को चेक किया तो मोंकी को भी ऐसी था, बिल्कुल वो येलो हुआ हुआ था। डॉक्टर कहते हैं आपकी तो दोनों कैट्स को जॉन्डिस हो चुका है। और एक और चीज़, इन दिनों में जब डायरिया हुआ था तो साथ में नूर को भी डायरिया हो गया था, और हम ये समझते थे कि हमारी नूर जो है ना वो बहुत साइज पे भी छोटी है, तो नूर की इम्यूनिटी जो है वो लो होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला के ही हाथ में ज़िंदगी मौत होती है, मोंकी और डोरा दोनों को जॉन्डिस हो गया एक दूसरे से, लेकिन उन दोनों से जॉन्डिस जो है वो नूर में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मैंने इन तीनों बच्चों को अलग रखा हुआ था क्योंकि ये तीनों बीमार हो चुके थे, बाकी हमारी कैट्स अलग थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नूर को कुछ भी नहीं हुआ। जो ट्रीटमेंट डोरा के ऊपर हो रहा था डायरिया का, वही नूर पर हुआ, नूर ठीक हो गई। हालांकि वो उनके साथ डॉक्टर के पास जाती थी, एक ही कार में जाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने नूर की ज़िंदगी रखनी थी। जब डॉक्टर ने चेक किया, हम सुबह सुबह ही चले गए, डॉक्टर ने कहा कि इन दोनों को जॉन्डिस हो चुका है, मोंकी को भी और डोरा को भी। उसी टाइम डॉक्टर ने हमें एक बात कही कि जिनको जॉन्डिस हो जाता है तो आप एक चीज़ माइंड में लाजमी रखिएगा कि इस कंडीशन में हार्ट अटैक भी आने का डर होता है। अभी डॉक्टर ने ये बात की है और हमने ना इसका, इसको मेडिसिन और इंजेक्शन लगवा दिए मोंकी को, और डोरा की ड्रिप कंप्लीट करवाई। जैसे ही डोरा की ड्रिप कंप्लीट हुई उसी टाइम डोरा को सीवियर किस्म का हार्ट अटैक आ गया, बहुत शदीद हार्ट अटैक था वो। मैंने फर्स्ट टाइम कैट में ना इस तरह का हार्ट अटैक देखा था, और मैंने हार्ट अटैक पे एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने उस डेथ के बाद ही बनाई थी, और मुझे जॉन्डिस पर भी बनानी है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जॉन्डिस के बारे में भी शेयर करूंगी। तो उस टाइम डोरा को इतना सीवियर हार्ट अटैक आया, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, हम उस टाइम क्लिनिक में ही थे कि किसी तरह से वो सर्वाइव कर सके। काफ़ी देर के बाद उसका हार्ट अटैक जो है ना नॉर्मल हुआ, लेकिन उसकी हार्ट बीट जो है ना वो स्लो होने लग गई। हम उसको घर ले आए, उस टाइम पे मोंकी की हालत भी बहुत ख़राब, बिल्कुल निढाल मोंकी। हम घर आए हैं, उसको कुछ ही घंटे गुजरे हैं तो डोरा की डेथ हो गई, और मेरे लिए वो इतना तकलीफ दे टाइम था कि उस टाइम मोंकी भी मरने के करीब था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था।
और वो जो लास्ट टाइम पे जब कैट्स की डेथ होती है, कैट्स सपने लगती हैं, हाथ पैर हुई हैं, मोंकी का वो स्टार्ट हो चुका था। और मैं उन दिनों मैंने वीडियोस भी डालनी छोड़ दी, मैं इतनी स्ट्रेस में थी। जब हम डोरा की डेथ हुई और हम डोरा को दफनाने गए, उस टाइम मैं रोए जा रही थी कि अभी मैं एक को दफनाने आई हूँ तो अभी मुझे थोड़ी देर बाद एक और को लेकर आना है दफनाने के लिए। हम डोरा को दफनाने के अंदर मोंकी तड़प रहा था और मोंकी का लास्ट टाइम चल रहा था। हम लोगों ने उसको दफनाया और उसके बाद मोंकी पूरी रात तड़पा, पूरी रात उसकी रूह नहीं निकल रही थी। उसको इतना दर्द था कि वो मेरे कपड़े काटता था, वो बेडशीट काटता था। वो मेरे लिए इतना मुश्किल टाइम था, मैं इस सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहती थी। और ये सब हुआ किस वजह से था? एक फीड चेंज होने की वजह से हुआ था ये सब कुछ। और अल्लाह ताला ने उनकी एक साथ लिखी थी, नेक्स्ट डे मोंकी की डेथ होगी, डोरा के साथ ही हमने यहाँ सोसाइटी में ही एक प्लॉट में हमने उसको भी दफना दिया। तो इस तरह से मेरे दोनों बच्चे, इतने प्यारे बच्चे मेरे जो है, वो चले गए मुझे छोड़कर। मैं बहुत स्ट्रेस में उसके बाद चली गई थी। मैंने कितना टाइम, तो आई थिंक एक महीना उसके बाद मैंने वीडियोस नहीं डाली थी और मैंने किसी के साथ इस बात को डिस्कस भी नहीं किया था, यूट्यूब पे भी डिस्कस नहीं किया था मैंने किसी के साथ भी। तो आज मैं इस बारे में डिस्कस कर रही हूँ और फिर अल्लाह ताला ने मुझे, उनकी कमी तो जाहिर है कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उस उन दोनों के रूप में अल्लाह ताला ने फिर मुझे अब बगीरा दे दिया और मुझे मोनी दे दी, जो कि सेम वैसे कलर्स तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। लेकिन वो मेरे इतने प्यारे बच्चे थे कि मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकती, मैं कभी नहीं भूल सकती। और उनको तड़पते हुए और उनकी तकलीफ मैंने अपने हाथों में देखी है, ये चीज़ें मैं नहीं भूल सकती हूँ। अपनी तरफ से मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की, हम सारी सारी रात जागते थे। कई दफ़ा हमें डॉक्टर को सुबह सुबह हमें घर बुलाना पड़ता था उनके लिए, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर का क्लिनिक भी नहीं होता था, खुला हुआ होता था। लेकिन बस इन शॉर्ट, अल्लाह ताला ने इंसान को या जानवर को पैदा किया है और अल्लाह ताला ने ही उसकी मौत का वक्त लिखा होता है। तो आप सबको पता चल गया कि मोंकी डोरा मुझे कैसे छोड़कर गए हैं। और मोंकी डोरा मेरे बहुत स्पेशल बच्चे थे और वो सारी ज़िंदगी मेरे दिल में रहेंगे, सारी ज़िंदगी मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, मैंने उनकी डेथ से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस कर ली। बस आजकल भी कैट फूड बैन है, बहुत सारे लोगों की कैट्स के साथ इश्यूज़ हो रहे होंगे, क्योंकि कैट्स की जब डाइट चेंज करते हैं ना तो उनका इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब होता है, उनको डायरिया हो जाता है। डायरिया एक बहुत बुरी चीज़ है कैट्स में। अल्लाह करे ये बैन खुल जाए हमारे मुल्क में, हमारे बच्चे बहुत इस चीज़ से ना, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, हमारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं और बहुत मुश्किल से फीड मिलती है। अब तो ये कंडीशन आ चुकी है कि मुझे जितनी मर्ज़ी महंगी फीड मिल रही हो लेकिन मैं रेफ्लेक्स जो है वो लेकर रखती हूँ, और अगर कभी रेफ्लेक्स नहीं मिलता तो मैं होममेड डाइट या ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ, मैं चिकन, बॉइल्ड चिकन बोनलेस और उसकी जो यखनी होती है सूप, वही अपनी कैट्स को खिला रही हूँ। अल्लाह ताला मेरी बाकी सब कैट्स की बहुत लंबी उम्र करें। तो मिलूँगी अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह किसी व्लॉग के साथ मिलूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।